नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब न्यूज़ 24 के एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लगातार भारतीय टीम को टेस्ट में हार का सामना करना पड़ रहा है इंग्लैंड की धरती पर। जब भी भारतीय टीम इंग्लैंड दौरे पर जाती है, भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, बल्लेबाजी की वजह से, गेंदबाजी की वजह से, वजह कोई भी हो सकती है। मगर फिलहाल अभी WTC फाइनल में हार के बाद सुनील गावस्कर ने क्या कहा कि ओपनिंग किससे करवानी चाहिए। उन्होंने सुमन गिल पर बहुत बड़ा कटाक्ष करते हुए बहुत बड़ा बयान दिया है। अगर आप जानना चाहते हो कि भाई पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने क्या कहा है, तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। गाइस, मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं, बीते दिनों 18 तारीख से लेकर 22 तारीख के बीच में WTC यानी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला खेला गया इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में, जो कि इंग्लैंड के साउथहैम्पटन मैदान पर खेला गया था, जहां पर भारतीय टीम को 8 विकेट की बड़ी अंतर से हार झेलनी पड़ी। उसके बाद दोस्तों भारतीय टीम पर सवाल खड़े होना स्टार्ट हो गए थे कि भारतीय टीम को ओपनिंग किससे करवानी चाहिए, क्योंकि भारतीय टीम की ओपनिंग बिल्कुल फ्लॉप साबित रही WTC के फाइनल मुकाबले में। इस बात पर सुनील गावस्कर ने बहुत बड़ा बयान दिया है। सुनील गावस्कर ने कहा कि बेशक रोहित शर्मा बहुत बड़े और बहुत ही बड़े धुरंधर बल्लेबाज हैं, मगर ये सच्चाई है कि रोहित शर्मा को और थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है। हम मान लेते हैं, चलो रोहित शर्मा को हमें बल्लेबाजी करानी चाहिए, मगर रोहित शर्मा के साथ हमें ये देखना होगा कि प्रैक्टिस मैच जब चलेगा इंग्लैंड सीरीज से पहले, उसमें हमें तराशना चाहिए खिलाड़ियों को कि सुमन गिल बेस्ट हैं रोहित शर्मा के साथ या फिर मयंक अग्रवाल बेस्ट हैं। जो आपको बेस्ट लगे वो उतारना चाहिए रोहित शर्मा के साथ। मेरे हिसाब से मयंक अग्रवाल को उतारना चाहिए, क्योंकि मयंक अग्रवाल ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 200 रन भी जड़े हैं। और वहीं मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, आखिरी बार इंग्लैंड दौरे पर जब भारतीय टीम जीती थी, वो जीती थी राहुल द्रविड़ की कप्तानी में 2007 में। उसके बाद से दोस्तों भारतीय टीम ने 3-4 दौरे किए, सभी में हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद दोस्तों 2011 में 0-3 से भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा, 2014 में 4 से हार का सामना करना पड़ा और 2018 में 3 से हार का सामना करना पड़ा। और अब 2021 में WTC के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम को 8 विकेट के बड़े अंतर से हार झेलनी पड़ी। तो दोस्तों, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना कि रोहित शर्मा के साथ कौन बेस्ट है, सुमन गिल या फिर मयंक अग्रवाल। वैसे मयंक अग्रवाल का नाम सबसे ऊपर आता है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना था, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए, देखते रहिए यूट्यूब न्यूज़ 24।